तो दोस्तों आज मैं आ पहुंचा हूं अपने मोहल्ले में हो रही जोत जवारा विसर्जन प्रांगण में। तो आज चलिए देखते हैं यहां पास होता है क्या। तो भाई आज तो सेवा विवाह चल रहा है आज, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, मतलब 9 दिन आज पूरा हो चुका है। तो आज जोत जवारा का विसर्जन है, तो भाई लोग सभी जस गीत और सेवा को गाते हुए यहाँ पास विसर्जन करने की तैयारी की जा रही है जोत जवारा। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ, चलिए बने रहिए। तो यहाँ पास माता है जोत जवारा विसर्जन के लिए पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पास कलश को सिर में उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और हम देख सकते हैं यहाँ पास पूरी चारों ओर पब्लिकों की बहुत सारी भीड़ है और यहाँ पे जोत जवारा का विसर्जन शुरू हो रहा है। यहाँ चारों ओर मंच में बहुत ज़्यादा धूप और यहाँ महाराज जी नींबू काट रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगी यात्रा विसर्जन के लिए। ये देख सकते हैं एक बालक भाला को पकड़ा है, यहाँ पे तरबूज खा रहा है क्योंकि यहाँ पे तरबूज बांटा भी जा रहा है। ये उमन का है जो जला हुआ है, देख सकते हैं आप। पब्लिकों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ में यहाँ पास विसर्जन की पूरी तैयारी, सेवा यहाँ पे बज रही है। भाई साहब मस्त सेवा गा रहे हैं जो मनमोहक है, मन को बड़े भाने वाली है। आप देख सकते हैं सेवा गाजा बाजा के साथ माता रानी के विसर्जन जोत जवारा के लिए सारे पब्लिक निकल रही है। धूप तो बहुत है लेकिन क्या करें, देखिए पूरा ज़मीन गर्म हो चुका है। ज़मीन गर्म को ठंडा करने के लिए और इंसान को ठंडा करने के लिए यहाँ पास लस्सी बांटी जा रही है, जिससे शरीर में सेहत भी बना रहे और यात्रा संपन्न हो। ज़मीन को ठंडा करते हुए भाई साहब बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, भक्ति भाव से कार्य में लगे हुए हैं, इनको मेरी तरफ से सल्यूट है। मस्त कार्य कर रहे हैं भाई साहब लोग। और ये हम तालाब के प्रांगण में पहुंच चुके हैं, तालाब सरोवर के पास जहां पे जोत जवारा का विसर्जन होगा और यहीं से यात्रा समाप्त होगी। मस्त तरीके से हो रहा है, ये तालाब के पानी को बहने भाई ये सब ला रहे हैं और सड़कों पे डाल रहे हैं ताकि सड़क ठंडा रहे और जो जोत जवारा उठा है उनको कष्ट ना हो। सरल तरीके से तालाब तक पहुँचे और माता रानी का ये कार्य पूरा हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ये श्रद्धा है लोगों की जो इन्हें इतनी शक्ति और साहस देती है ऐसा कार्य करने के लिए। एक बहुत ही मुश्किल का कार्य है लेकिन आदमी भक्ति में भाव से श्रद्धा से ये कार्य कर रहे हैं। देख रहे हैं माता रानी का जोत जवारा विसर्जन बहुत सुंदर तरीके से हमारे मोहल्ले में हो रहा है, हमारे शीतला मंदिर के द्वार पर। बहुत ही मस्त लग रहा है, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। और देख सकते हैं ये घुड़ी को बिछाया जा रहा है ताकि यही इसी में जो जोत जवारा का कलश है वो रखा जाएगा, उसके बाद आरती वारती होगी, फिर ये कार्य पूरी तरीके से संपन्न होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा आज ना चैत्र नवरात्रि का। तो पूरे देख सकते हैं बहुत चलचलाती धूप यहाँ पास है, इस धूप में बहुत ज़्यादा धूप के साथ हो रहा है कार्य। जय माता रानी। ये देखिए कितनी संख्या में जो जवारा कलश सभी लोग उठाए हैं अपने सिर पर, ये अद्भुत है, कल्पनीय है। ये भाला पकड़ के बालक दौड़ रहा है, मस्त ये जल चढ़ा रहे हैं जमीन को। तो भाई आज का दिन तो बहुत ही, आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन था जो यहाँ पास संपन्न होगा। ये कलश उतार रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि ये कार्य संपन्न हो, समृद्धि हो अच्छे तरीके से। तो उसके बाद हम लोग थोड़े से खरबूजा वरबूजा खाते हैं जिससे हमें पानी की पूर्ति हो जाएगी। और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पास प्रसाद वितरण तरबूज के रूप में दिया जा रहा है भाई लोग के द्वारा, जिसको बहुत ही प्रणाम है हमारी ओर से। और ये देखिए पब्लिकों की भीड़। अभी हम आ चुके हैं जोत जवारा के अंतिम पड़ाव पर जो अभी विसर्जन होगा, और यहाँ से ये आरती पूजा हो रही है यहाँ पास जोत जवारा की। इसके बाद ये कार्य पूरी तरीके से संपन्न होगा और फिर से इसी तरह पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत ही भव्य तरीके से जोत जवारा का विसर्जन किया गया हमारे मंदिर प्रांगण द्वारा।
तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।